गेट स्कोर कार्ड है नेट एल है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है या डी एस इंस्पायर है देन दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज 16 से भी ज़्यादा आज के इस वीडियो में आपको 16 दिखाऊंगा 16 से भी ज़्यादा पी एच डी एप्लीकेशन आईआईटी के अंदर ओपन है सो प्लीज़ बी केयरफुल कोई भी एप्लीकेशन मिस करोगे सो यू विल लूज़ द चांस This is all in one go video in which you will get full information about all the IITs. So please circulate this video to all those gate aspirant, net aspirant, uh, experience person जो लोग IIT के अंदर eligible हैं and मुझे लगता है 900 नहीं शायद 1500, 14, 1400, 1200 seat होंगी overall इन सारे IITs में all branch के अंदर. तो चलिए देखते हैं miss मत करना कोई भी information for that you have to subscribe the channel and hit the like button because skip hua miss hua so you will lose the information not anyone else सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज आई आई टी भुवनेश्वर शायद ये किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि सिक्सटीन को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है एंड फिफ्टीन अप्रैल को ये एप्लीकेशन ख़त्म हो रहा है तो मैं जल्दी से सिर्फ इतना बताऊंगा इसके अंदर कितने टाइप की इंस्टीट्यूट पी एच डी स्कॉलरशिप है स्पॉन्सरशिप है तो आप डेफिनेटली इंस्टीट्यूट में ही जाओगे यहाँ पर स्कूल ऑफ बेसिक साइंस है अर्थ ह्यूमैनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिकल बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको देखना है अगर आप ह्यूमैनिटी से हो सो यू मस्ट हैव अ गेट सी एस आई आर यू जी सी नेट क्वालिफाइड बेसिक साइंसिस में जाना चाह रहे हो तब भी आपके पास गेट सी एस आई आर यू जी सी नेट एल एस कुछ भी कोई भी एग्जामिनेशन जैम जेस्ट होना जरूरी है सो दिस इज द थिंग इसकी डेट है अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो सो आई आई टी भुवनेश्वर इज द एप्लीकेशन फॉर यू सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन एप्लीकेशन है फिफ्टींथ अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर यू राइट चलिए देखते हैं नेक्स्ट आई आई टी एप्लीकेशन दिस इज आई आई टी भिलाई सो आई आई टी भिलाई का अगर आपने देखा है तो यह एप्लीकेशन लाइव हो चुका है काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है मगर इस वीडियो के अंदर यू विल गेट ए टू जेड इंफॉर्मेशन देखो अब बायो साइंस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस मैथमेटिकल्स इसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है अभी तक ह्यूमैनिटी नहीं है इसके अंदर सो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट प्लीज बी केयरफुल चलो अब अगर आप मास्टर्स इन साइंस हो या फिर बैचलर्स हो या मास्टर्स इंजीनियरिंग हो सो so आपके पास कोई भी एक चीज होना बहुत जरूरी है या तो गेट स्कोर कार्ड जैसा आप जानते हो सी एस आई आर यू जी सी नेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गए या फिर मिनिमम टू इयर्स ऑफ रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब आपके पास अगर कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है दो साल आपने टीचिंग की है रिसर्च एसोसिएट या किसी भी जी पोजीशन प्रोजेक्ट में कहीं भी काम किए हो दो साल तो आप एलिजिबल हो नीट पीजी या नीट एम्स ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो गए तो अभी आप समझ चुके हो आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इन तीन में से एक होना जरूरी है विथ सिक्सटी मार्क्स एप्लीकेशन ओपन है So, आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन अभी ही लाइव हुआ है और इसकी लास्ट डेट है थर्टीथ अप्रैल राइट भूलना मत थर्टीथ अप्रैल ये फॉर्म भी अभी स्टार्ट हुआ है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे विच इज आईआईटी कानपुर सो आईआईटी कानपुर के भी एप्लीकेशन एक्टिव हो चुके हैं आज से ही और आज ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है सो so इसी बात पे एटलीस्ट लाइक like का बटन जरूर प्रेस कर देना और नीचे अपने कमेंट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड द इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर जरूर करना चलो इसके अंदर आपको मिलने वाला है पीएचडी जो आप देख रहे हो बायोलॉजिकल साइंस बायो इंजीनियरिंग केमिकल केमिस्ट्री कॉग्नेटिव साइंस भी है इसके अंदर राइट मैथमेटिक्स स्टैटिक्स जितने भी लोग करना चाहते हो ये ह्यूमैनिटी सोशल साइंस भी आपको मिलने वाला है अब जो मेन इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर हाउ टू अप्लाई सिंपल तरीका है आप अप्लाई करोगे गेट नॉन गेट के थ्रू और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सिर्फ हम देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इंजीनियरिंग के लिए तो आप जानते ही हो गेट बहुत जरूरी है बट साइंस स्टूडेंट्स के लिए आप देख लो द कैंडिडेट मस्ट ईदर हैव अ वैलिड गेट स्कोर कार्ड और जे आर एफ नेट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने क्लियरली लिख दिया है गेट या नेट जे आर एफ कॉग्नेटिव हेल्थ है फिर ह्यूमैनिटी है उसमें भी आपको वैलिड गेट स्कोर चाहिए ही चाहिए सो दिस इज द एप्लीकेशन और अगर मैं इसकी बात करूं लाइक डेट्स like की तो डेट्स तो अभी से ही स्टार्ट हुआ है तो आप इसको जरूर अप्लाई करो बिकॉज लास्ट डेट बहुत दूर है ये तो फॉरेन नेशनल के लिए है मैं इंडियंस की आपको बता देता हूँ लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन इज थर्टी फर्स्ट ऑफ में बहुत टाइम है बट मिस मत करना एप्लीकेशन सबको शेयर जरूर कर देना चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट सो दिस इज आई आई बी एच यू इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे आप पीछे जाके देखोगे सो यू विल गेट फुल इंफॉर्मेशन दिस इज आई आई टी बी एच यू एम टेक एम फा वाइन पी एच डी के एडमिशंस अभी ओपन है सो so आप इसको अप्लाई कर सकते हो इसमें भी गेट नेट चाहिए ही चाहिए राइट सो दिस इज द एप्लीकेशन एंड द लास्ट डेट इज़ फिफ्थ ऑफ अप्रैल तो टाइम इसमें थोड़ा सा कम है बट दिस इज द बेस्ट अप्लीकेशन अगर आप चाहते हो इसको अप्लाई करना और कोई भी डाउट है उस मैंने ए टू जेड पॉइंट्स कैटेगरी सब डिस्कस कर रखी है आप पीछे जाके ज़रूर देख लो नाउ आई आई टी प्लग कार्ड सो आई आई टी प्लक कार्ड के अंदर अगर आप कैटेगरी से हो एस सी एस टी कैटेगरी सो रोलिंग एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है जिसकी लास्ट डेट थ्रू आउट द ईयर दिसंबर 2024 बहुत ज्यादा डेट है शायद किसी को नहीं पता है आप डायरेक्टली इस पे जाके अप्लाई करो एलिजिबिलिटीज ऑलमोस्ट द सेम विच इज नेट गेट बेसिक एलिजिबिलिटी दो साल टीचिंग एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस वाला क्लॉज इसके अंदर नहीं है राइट right? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। दिस इज एन इसके बारे में भी किसी को अभी नहीं पता है बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है सो आई आई टी डेली हॉज खास डेली में है आप जानते ही हो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं इसके अंदर आप चाहे मेटिकल साइंस से हो ह्यूमैनिटी से हो इंग्लिश से हो केमिस्ट्री से हो और लाइक बायोमेटिकल इंजीनियरिंग सब जगह से आप अप्लाई कर सकते हो एंड इसकी एलिजिबिलिटी है 60 मार्क्स प्लस आपका गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जरूरी है दो साल वाला एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा एंड लास्ट डेट इज फोर्थ ऑफ अप्रैल आप देख सकते हो फोर्थ ऑफ अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर दिस आई आई डेली सारी चीजें यहां पे हैं ऑनलाइन आप क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या हुआ आप लोग अगर थक तो नहीं रहे हो ना प्लीज एक भी चीज स्किप मत करना फिर आप ये भूल जाओगे कि मेरा ये फॉर्म निकल गया मुझे पता ही नहीं चला देट इज वाई आई एम द ओनली वन जिसमें सारे के सारे आई आई टीज को इंक्लूड कर रहा हूं राइट right? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट आई आई टी खड़गपुर सो आई आई टी खड़गपुर के भी फॉर्म आ चुके हैं एंड इसके कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं जो एक्सटेंड हुई हैं तो अगर जो लोग नहीं भर पाए हों फिफ्टींथ ऑफ मार्च वॉज द लास्ट डेट बट अभी 25 मार्च है यानी आपके पास पूरे के पूरे पांच दिन हैं यार पांच घंटे भी नहीं लगते इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने में सो so, आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर दो अगर आप चाहते हो इस फॉर्म को फिल करना दिस इज एज सिंपल एज दैट इसके अंदर भी सेम कंडीशन है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सो यू मस्ट हैव गेट फेलोशिप राइट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस आर्किटेक्ट इसके अंदर भी ह्यूमैनिटी है करेक्ट सो दिस इज द थिंग 1000 आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है आई आई की चलो आ जाओ आई इंदौर पे। सो so, आई इंदौर का फॉर्म किस किसने देखा और किसने नहीं देखा मुझे ये बताओ आई इंदौर के फॉर्म भी ओपन है एडवर्टीजमेंट ये रहा सिर्फ कुछ ही ब्रांच के हैं इसलिए मैं इसकी ज्यादा डीप में नहीं जाऊँगा बिकॉज ये लोग क्या करते हैं डेट वेरी करवाते हैं दिस इज अ वेरी बैड थिंग आई सीरियसली डोंट लाइक दिस वन या तो आप एक ही डेट रखो या फिर सबके लिए अलग अलग क्यों रख रहे हो सो so, इंदौर को भी आप लोग देख लेना नाउ कौन सा आई आई टी बॉम्बे इसका मैंने रिसेंट ही वीडियो डाला है बहुत ही डिटेल में वन बाय वन कैटेगरी एंड बेनिफिट्स कैसे एडमिशन ले सकते हो इसके अंदर भी नेट गेट और जिनको दो साल का एक्सपीरियंस है वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं इसके अंदर अगर इसके बारे में ध्यान से सुनना है तो मेरे पूरे डिटेल्ड वीडियो में जरूर देखना चलो नेक्स्ट इज द आईआईटी धनबाद यार आप कहोगे सर ये कलेक्शन आपने कहाँ से पूरा डिटेल में शेयर कर दिया राइट सो so, आईआईटी धनबाद को मैं अलग से डिटेल में शेयर करूंगा बट उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि व्हाट आर द ब्रांच व्हिच इज करेंटली दिस इज इन इंजीनियरिंग दिस इज इन साइंस ह्यूमैनिटी में है मैनेजमेंट में है एंड आपको गेट नेट होना बहुत जरूरी है उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू राइट दीज आर द थिंग्स एंड अगर इंपॉर्टेंट डेट्स देखोगे तो लास्ट डेट इज ट्वेंटी ऑफ अप्रैल ठीक है तो ट्वेंटी अप्रैल एप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर धनबाद आई धनबाद राइट चलो आई मद्रास पे आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी लास्ट डेट है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च और ओपन हुआ है फर्स्ट ऑफ मार्च को थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च अभी ये नहीं अभी आपके पास बहुत दिन है जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म नहीं देखा वो इसको ज़रूर देख लो सेम कंडीशन है आईआईटी मद्रास बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड राइट सो दिस इज़ वन ऑफ अनदर वन बेस्ट फॉर्म नाउ कम्स द आई आई तिरुपति इसको भी शायद आपने नहीं देखा होगा बिकॉज दिस ये भी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है थर्टींथ ऑफ मार्च को और टेंथ अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी अगर साइंस की मैं देखूं तो आपको वैलिड गेट स्कोर चाहिए या फिर यूजीसी नेट फेलोशिप होना चाहिए या सी एस आई आर नेट होना चाहिए विदाउट दिस इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट सो वैलिड नेट गेट जे आर एफ एल uh, कुछ भी होना जरूरी है फॉर दिस एप्लीकेशन गांधीनगर का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म सो ये ट्वेंटी सेकेंड मार्च इसकी लास्ट डेट है इसकी स्पेशल ड्राइव भी चलती है फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट और ये जो है ये ओपन फॉर ऑल है बायोलॉजिकल साइंस केमिकल साइंस केमिस्ट्री एंड ऑल सो इसको भी आप अप्लाई करो ट्वेंटी था बट अभी डेड एक्सटेंड कर दी गई है सो ट्वेंटी मार्च मैं आपको इसीलिए रिमाइंड करा रहा हूँ जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए होंगे ना वो डिसाइड कर लेंगे कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है जैसे सारे सब्जेक्ट की है वैसे ही है एडमिशन प्रोसीजर जो है आप फॉर्म फिल करेंगे फिर उसके बाद इंटरव्यूज होंगे एंड दिस इज द स्पेशल ड्राइव ये आपने देखा था ये स्पेशल एस सी एस टी एन ओ बी सी एन एल सी एन एन पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स ये उन लोग के लिए था और इसकी लास्ट डेट भी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च है यानी आप इसके लिए भी एलिजिबल हो तो जो लोग कैटेगरी से हो वो इस फॉर्म को भरना जो जनरल कैटेगरी से हो वो प्रीवियस फॉर्म को फिल करना ना आईडी आई जोधपुर आप लोग थके तो नहीं हो नीचे मुझे कमेंट जरूर करो बिकॉज दिस इस वन ऑफ द बेस्ट कंपाइल ऑफ द आई आई टी सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड ये देखिए रोलिंग एडवर्टीजमेंट है रोलिंग एडवर्टीजमेंट मतलब ये राउंड द ईयर चलता है, है ना राउंड द ईयर ओपन रहता है अगर मैं इसका पी का एडवर्टीजमेंट देखूंगा आई जोधपुर का देन यू विल कम टू नो दिस इज द रोलिंग पी एच राइट तो इसकी जो कट ऑफ डेट अभी की है ट्वेंटी ऑफ़ अप्रैल ठीक है ट्वेंटी ऑफ अप्रैल इसके बारे में मैंने डिटेल में फुल वीडियो भी डाल रखा है तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर भी आपको नेट गेट चाहिए ही चाहिए ना आई मंडी यस yes, यहाँ के भी फॉर्म आ चुके हैं डुअल डिग्री के कुछ फॉर्म्स हैं कुछ मैथमेटिकल्स एंड स्टैटिक स्टैटिक्स के हैं सारे फील्ड के नहीं हैं सो so आप लोग इसको भी जरूर से देख लेना नाउ दिस कम द बेस्ट फॉर्म आई आई टी रोपड़ ये शायद किसी ने नहीं देखा होगा लास्ट डेट्स की फिफ्थ ऑफ अप्रैल है रेगुलर पी एच डी के लिए ये फॉर्म्स हैं एलिजिबिलिटी एम टेक एम एस सी वगैरह वगैरह सब ह्यूमैनिटी भी है साइंस भी है इंजीनियरिंग भी है और दो लाख तक ग्रैंड मिल रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वर्ल्ड का क्लास रिसर्च फैसिलिटी एज दे आर क्लेमिंग और आप इस फॉर्म को भी जरूर अप्लाई करो मैं आपको अगर इसका ब्रशर दिखाऊं तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आई टी रोपड़ मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा लास्ट डेट याद रखो फिफ्थ ऑफ अप्रैल इंस्टीट्यूट फेलोशिप सभी आई में रहती है इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज क्वालिफाइड गेट्स एस आई आर यू जी सी और अदर नेशनल लेवल फेलोशिप तो अगर आपके पास फेलोशिप है देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द आई आई टीज राइट तो मैंने अभी देखिए सोलह आई आई टीज डिस्कस करी अब मुझे बताओ ये कंबाइलअप के अंदर आपको कुछ हेल्प मिला कि नहीं आई आई डेफिनेटली लाइक कन्फर्म दैट इट विल बेनिफिट कोई भी एप्लीकेशन अगर मिस हो रही होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी फिलहाल उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो यू कैन जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन बाय टेक केयर